आज का टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन। या इसको हम कह सकते हैं दूसरा इस टॉपिक का नाम बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन एंड थर्ड वन इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन रेट। तो इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो टॉपिक सेम रहेगा, आइदर मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन पूछे, मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन पूछे एंड मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन रेट पूछे, द टॉपिक विल बी रिमेन सेम। तो क्या कुछ करना है ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने कहा अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन वाला टॉपिक समझ में आ गया तो इस टॉपिक में एक मात्र कोई बात अलग नहीं, सिंपल लास्ट में जाकर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अलग होगी, स्टार्टिंग की कैलकुलेशन बिल्कुल ही बेटा क्या है सेम। चलो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर मैं बात करूं इन द अब्सेंस ऑफ एनी पर्टर्बेशन, या वी कैन से दैट एनी ईएम वेव, एक एटम है आपका, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैंने किसी प्रकार की इसके ऊपर क्या नहीं डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या पर्टर्बेशन नहीं डाली, तो इस सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है, दिस इज एच नॉट, दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ आइडियल सिस्टम और वी कैन से दैट हैमिल्टोनियन ऑफ अनपटर्ब सिस्टम। तो हम अनपटर्ब सिस्टम का हैमिल्टोनियन बेटा क्या बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। बिल्कुल सेम काम आपने ये काम किया हुआ है, इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या बताया था मैंने बेटा, बताओ जल्दी से, पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस द पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर होता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी जितना ही होता है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही मैंने एक बात और बताई थी कि द वैल्यू ऑफ द पोजिशन ऑपरेटर इज सेम एज दैट ऑफ द पोजिशन। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो बेटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू फाइ, फाइ इज द, बताओ बेटा फाइ क्या था, अब आप बोल सकते हो फाइ इज द स्केलर पोटेंशियल। ये काम मैं दूसरी बार करवा रहा हूं बेटा, तो आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए यहां पर बहुत ज्यादा। फाई क्या है, इट इज द स्केलर पोटेंशियल। कोई पूछे आपसे फाई किसकी इंफॉर्मेशन देता है, बताना बेटा कोई बच्चा, हाँ जी, व्हाट गिव्स फाई क्या देता है हमें बताना प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली माइनस डेल फाई, द ग्रेडियंट ऑफ फाई बेटा हमें क्या देता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन जो है, इस सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं यहां पर छुपी हुई। सो हम कह सकते हैं कि आपका जो अनपटर्ब सिस्टम का हैमिल्टोनियन है, इट इज पी स्क्वायर बाय टू एम एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू फाइव। सो दिस इज द ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ द अनपटर्ब सिस्टम हैमिल्टोनियन। क्लियर, बताओ बेटा यहां तक का आपको क्लियर हुआ, हाँ जी बताओ बेटा ये काम कर लिया गया। अब yes, हम सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल देते हैं तो क्या होगा बेटा, सेम जो डिस्कशन मैंने परसों की क्लास में किया था, आपका आधे से ज्यादा एक्सप्रेशन सेम चलेगा।
इसीलिए मैं कह भी सकता था कि आप वहां से कर लो और वी स्टार्ट विद दिस, लेकिन फिर भी बेटा हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं, कोई ना कोई नई बात हमें पता लग जाए। तो अगर बात की जाए इन प्रेजेंस ऑफ पर्टर्बेशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सिस्टम के साथ क्या होगा बेटा? ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और इसके ऊपर बेटा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल रहा हूं। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालूंगा क्या होगा बेटा, बता सकता हो कोई बच्चा? हाँ जी, कोई बच्चा बताए बेटा क्या होगा सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालने से? बेटा द मोमेंटम ऑफ एटम या बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेट चेंज्ड, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। कैसे बेटा? पहले अगर मोमेंटम पी था तो अब की बार मोमेंटम कितना हो जाएगा? रिप्लाई करो बेटा जल्दी से बताओ। पी माइनस क्यू वाई सी क्यू सी इनटू ए वेक्टर। व्हाट इज दिस ए वेक्टर? व्हाट इज दिस ए वेक्टर? इट इज कॉल्ड वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द, क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड कह दो या ईएम वेव कह दो, जो ईएम वेव बाहर से गिर रही है उसकी इंफॉर्मेशन। एक्चुअली मैं मैग्नेटिक फील्ड इजीली निकाल सकता हूं इफ आई टेक कर्ल ऑफ दिस थिंग। सो वेक्टर पोटेंशियल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द, वी कैन से दैट द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उस वेव के गिरने से आपका मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज हो। ड्यू टू दिस हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम बिकम, बताओ बेटा क्या बन चुका है हैमिल्टोनियन? हाँ जी बेटा, सो द हैमिल्टोनियन इज बेटा मोमेंटम अगर चेंज हो गया पी माइनस क्यू बाई सी ए का स्क्वायर बाई टू एम प्लस क्यू फाइव। बताओ बेटा यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, यस सर। ओके, सो अगर बेटा इसको रूट को अच्छे से खोला जाए स्क्वायर को, तो आई थिंक फर्स्ट टर्म इज पी स्क्वायर बाई टू एम, द नेक्स्ट टर्म इज क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू टू एम इंटू ए स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट टर्म इज क्यू बाई टू एम सी। बताओ बेटा क्या आएगा? हाँ जी, पी इंटू ए प्लस ए इंटू पी प्लस क्यू फाइव। अरे बेटा होगा नहीं होगा ये? हाँ जी, मैंने कैसे किया? कैसे किया बेटा मैंने ये बताना एक बार जला। मैंने इस तरीके से, हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये कुछ इस तरीके से किया है बेटा, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर मैंने रॉकेट मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव इनफ टाइम। इसके स्क्वायर का मतलब बेटा दोनों को अलग अलग, क्योंकि जब जब भी कभी बेटा वेक्टर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए भी नहीं कर सकते हम पर केस, उसमें थोड़ा सिस्टम देखना पड़ता है, ऑर्डर देखना पड़ता है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म के साथ करूंगा तो आई गेट पी स्क्वायर, मैं सेकंड टर्म की सेकंड टर्म के साथ करूंगा तो आई थिंक आई गेट क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एंड मैं अगर फर्स्ट टर्म की थर्ड लास्ट टर्म के साथ करूंगा तो माइनस क्यू बाई सी पी ए वेक्टर, और मैं सेकंड टर्म की इस टर्म के साथ करूंगा तो माइनस क्यू बाई सी ए वेक्टर पी। तो यहां से बेटा मेरे ये एक्सप्रेशन आया है जो मैंने अभी अभी लिख दिया।
क्यू बाई सी को मैंने कॉमन ले डाला, तो पी ए प्लस ए। बताओ बेटा, हाँ जी बताओ बेटा, सहमत हो आप इससे? मैं आपसे ये पूछूं, व्हाट इज दिस पी कैप? इट इज द मोमेंटम ऑपरेटर, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। क्लियर बेटा, पी कैप क्या है? मोमेंटम ऑपरेटर, याद रखना, कभी डायरेक्शन ऑफ पी कह दो, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। नाउ वी अज्यूम दैट द पर्टर्बेशन इज वीक। तो बेटा अगर पर्टर्बेशन वीक होगी, बेटा पर्टर्बेशन का मतलब जो मैं बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल रहा हूं वो वीक है, तो बताना बेटा अगर वो वीक होगी तो मैं क्या कर सकता हूं? A is small. Yes. तो मैं कह सकता हूं this implies A is small. A square is very small. This implies A square को बेटा मैं जीरो को टेंड करवा सकता हूं, जीरो अज्यूम कर सकता हूं। मैंने कहा कि जो बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गिर रही है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? A के पास है। तो अगर A छोटा है तो ए स्क्वायर और छोटा होगा। बेटा 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, और भी छोटा हो जाता है। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बेटा ये सेकंड टर्म को हमने क्या कर दिया था? नेग्लेक्ट कर दिया था। सो आपका जो हैमिल्टोनियन बना वो क्या बना? मैं आगे चलो थोड़ा सा। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सो द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज p square by 2m plus q phi minus q by, बेटा कितना है नीचे बताना? 2cm ना? q by 2m, हाँ जी सर। 2cm p operator, a vector plus a vector p operator. Now what is this value बेटा? बताओ जल्दी से। This is H naught, unperturbed system का बेटा Hamiltonian था। This implies we get H is equal to H naught minus Q by 2cm P operator A vector plus A vector P operator, and compare this with H is, बताओ टोटल पटर्ब सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या बताया था बेटा? अनपटर्ब्ड प्लस H डैश। दिस इंप्लाइज H डैश इज माइनस Q by 2cm P ऑपरेटर A वेक्टर P ऑपरेटर। बताओ बेटा क्या आपको ये मिला? ये काम हम दूसरी बार कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। बताओ समझ में आई बेटा ये बात? हाँ जी यस सर। ओके, सभी बच्चों के समझ में आ गई या नहीं आई? अरे आई है, किसी को नहीं आई? रोल नंबर वन अनम्यूट करना। रोल नंबर वन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। स्टार्ट करते हैं। सो एच डैश की वैल्यू हमारी आई है माइनस बाई क्यू बाई 2cm, और अंदर आया है बेटा पी ऑपरेटर ए वेक्टर प्लस, म्यूट कर ले सभी बच्चे, ए वेक्टर पी का। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच डैश। नाउ अकॉर्डिंग टू, बेटा मेरे को कहीं ना कहीं ट्रांजिशन रेट निकालना है। तो ट्रांजिशन रेट किसने दिया था, किस रूल के अनुसार आया था?
अकॉर्डिंग टू फर्मीगोल्डन रूल, यस फर्मीगोल्डन रूल, अकॉर्डिंग टू फर्मीगोल्डन रूल, ट्रांजिशन रेट एस, ट्रांजिशन रेट क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से, कितना निकल के आया था बेटा, टू पाई अपॉन एच कट वी एम आई का मोड का स्क्वायर रोई, है ना बेटा, वेयर रोई इज डेंसिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, डेंसिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल सही बात है। एंड व्हाट इज दिस वी एम आई बताओ बेटा, हाँ जी सर, एम एम एच डैस आई आई, ठीक है ना, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फाइ एम स्टार एच डैस फाइ आई डेटा, एक्चुअल में तो ये है लेकिन इसकी अगर ब्रैकेट नोटेशन देखिए तो हम ऊपर वाली नोटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बेटा, बताओ समझ में आ गई है, हाँ जी। सो फर्स्ट, तो फर्स्ट वी फाइंड दिस वी एम आई एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ वी एम आई हियर एंड देन वी गेट द ट्रांजिशन रेट। तो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वी फाइंड, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एम आई, आफ्टर दैट वी पुट दिस वैल्यू इन अबो एक्सप्रेशन एंड फाइंड एंड फाइनली वी गेट एंड फाइनली वी गेट ट्रांजिशन रेट, और फाइनली मुझे ट्रांजिशन रेट मिल जाएगा, ओके फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, ट्रांजिशन रेट मिल जाएगा। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, सो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एम आई, आफ्टर दैट हम इसमें पुट कर देंगे एंड देन वी गेट द ट्रांजिशन रेट, ऐसा हम काम पहले भी कर चुके हैं। तो चलो वी एम आई को कैलकुलेट करते हैं, सो वी एम आई एस बेसिकली कितना आया था बेटा हमारा बताना, वी एम आई, हाँ जी व्हाट इज द वी एम आई, एम एच डैस आई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच डैस, दैट इज द माइनस क्यू अपॉन टू एम सी, हाँ जी पी वैक्टर सॉरी ए प्लस ए पी ऑपरेटर, बेटा इसी तरीके से आया था, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं इसको पुट कर दूं तो आई गेट माइनस क्यू अपॉन टू एम सी, एक कॉमन पार्ट ले लिया मैंने और अंदर बच गया बेटा एम पी ऑपरेटर ए प्लस ए पी ऑपरेटर आई, सो वी गेट, हाँ बोलो प्लीज सर, ये एच डैश की वैल्यू माइनस में है तो सर ये मोड के अंदर जाएगा तो क्यू प्लस नहीं हो सकता क्या, कहां पर बीच में सर, मोड में कहां गया सर, मोड में है ना एच डैश, तो ये मोड नहीं, मोड है, ये ब्रैकेट, मोड नहीं ये ब्रैकेट है, फाइव स्टार एच डैश, यही तो बताया था मैंने अभी अभी, ये अगर कोई चीज है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द नोटेशन, दोनों चीजें ही एक हैं, तो इसमें कहां आपको मोड दिख गया, दिस इज जस्ट द नोटेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने की, ये नोटेशन है, ठीक है सर, सो माइनस क्यू बाई टू एम सी एम पी ऑपरेटर ए आई प्लस एम ए वेक्टर पी ऑपरेटर आई, हालांकि ये काम मैंने करवा दिया था, इसका भी मैंने ट्वाइस बता दिया था बेटा, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, जिस समय अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा बेटा, बताओ मैं आगे चलूं थोड़ा सा, हाँ जी बताओ बेटा आगे चलूं थोड़ा, सो वी गेट वी एम आई एस माइनस क्यू बाई टू एम सी एंड द फर्स्ट टर्म इज एम P operator A I plus M A vector P operator I
ये हमें एक्सप्रेशन मिला। नाउ इस चीज को बेटा मैं थोड़ा सोल्व करके देखूंगा, मैं सोल्व करके देखना चाहता हूं एम पी ऑपरेटर ए आई को, ठीक है, ताकि फिर मैं इस वैल्यू को वहां पर पुट करूंगा। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले ये आगे वाला पार्ट सोल्व करना पड़ेगा, मीन्स वी वॉन्ट टू सोल्व वी ए वैक्टर आई। नाउ वट इज द वैल्यू ऑफ दिस पी ऑपरेटर, पी ऑपरेटर होता है बेटा माइनस आयोटा एच कट डेल, मतलब दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ ए इंटू आई। फिर बेटा मैंने आपको यहां पर एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी लिखवाई, मैंने बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर इंटू ए स्केलर होता है क्या बेटा, कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर इंटू स्केलर प्लस वेक्टर भार एंड ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर चीज का लिया जाता है। ये चीज क्या ले रहा है बेटा, यहां पर अगर देखा जाए तो दिस इज द ग्रेडियंट, आपने शायद क्लासिकल में पढ़ा, दिस इज द ग्रेडियंट। ये क्या है बेटा, डाइवर्जेंस। ये क्या है बेटा, ग्रेडियंट। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर हमारे पास कोई डेल ऑपरेटर है, इस डेल ऑपरेटर को मैं किसी स्केलर पर अप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब होता है बेटा मैं ग्रेडियंट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है, मतलब ग्रेडियंट सोल्व करने के पश्चात आपका जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है बेटा, वेक्टर आता है। अगर मैं इसके बीच में इस तरीके से डॉट लेता हूं तो इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस हमेशा बेटा वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी का। यहां पर किसका बेटा, स्केलर का, और डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का लिया जाता है बेटा, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस से जो रिजल्ट आता है फाइनल वो स्केलर आता है। उसके बाद बेटा एक चीज और भी आती है, कर्ल। कर्ल में बेटा क्रॉस होता है बीच में, ये भी बेटा हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है, और इसका भी जो रिजल्ट आता है बेटा वो आपका वेक्टर आता है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, क्या, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट स्केलर का लिया जाएगा, डाइवर्जेंस वेक्टर का लिया जाएगा, कर्ल भी वेक्टर का लिया जाएगा। ग्रेडियंट का रिजल्ट वेक्टर आता है, डाइवर्जेंस का रिजल्ट स्केलर आता है, कर्ल का जो रिजल्ट है वो वेक्टर आता है। और प्रॉपर्टी बताई मैंने कि जब भी, अब देखो बेटा ना डॉट लग रहा है ना क्रॉस लग रहा है, मतलब ये क्या ले रहे हैं हम बताना बेटा, हाँ जी, ग्रेडियंट ले रहे हैं। ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर इंटू स्केलर क्या होता है बेटा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इंटू जस्ट स्केलर प्लस वेक्टर भार ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ये प्रॉपर्टी होती है। तो चलो इस प्रॉपर्टी को अपनाते हैं, तो माइनस आयोटा एच कट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इंटू द स्केलर एज इट इज प्लस वेक्टर भार एंड ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर। नाउ आई यूज वन मोर प्रॉपर्टी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए जो होता है बेटा वो हमेशा जीरो होता है। ए के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का करेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी फैलती नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल नेचर होता है, घुमावदार नेचर होता है बेटा, ऑलवेज डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। सो अगर यहां से इस चीज को देखा जाए तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा एच कट ए वेक्टर डेल आई। अगर आयोटा एच कट को मैं अंदर ले जाऊं तो ए वेक्टर माइनस आयोटा एच कट डेल आई, और ये किसका ऑपरेटर बढ़ गया बेटा, इट्स मोमेंटम ऑपरेटर। तो ए मोमेंटम ऑपरेटर इनटू आई, इट मींस मैं इस चीज को लिख सकता हूं एम, और बेटा अंदर वाली चीज सोल्व होकर कितनी आ गई अभी अभी देखना, ए वेक्टर मोमेंटम ऑपरेटर इनटू आई।
मीन्स दिस थिंग इज रिटन एज इन दिस फॉर्म. बताओ बेटा क्या ये चीज समझ में आई आपको? हाँ जी बताओ बेटा. यस सर. ये काम मैंने एक बार पहले भी करवाया था तो अब आपको शायद और क्लियर होना चाहिए जो मैं बात बता रहा हूं. सो फाइनली बेटा आपका VMI का एक्सप्रेशन आ चुका है. VMI is माइनस क्यू अपॉन 2MC एंड दिस इज M. बताओ बेटा क्या है अंदर? A मोमेंटम ऑपरेटर I प्लस, बताओ बेटा M A मोमेंटम ऑपरेटर I. सो ये क्या हो गया बेटा? ट्वाइस हो गया. तो ट्वाइस नीचे वाले टू से कट जाएगा. तो दिस इज द Q अपॉन MC एंड M A इंटू द मोमेंटम ऑपरेटर इंटू I. दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर VMI. ये आपकी क्या वैल्यू आ गई बेटा? VMI की वैल्यू आ गई. क्लियर? बताओ बेटा यहां तक नोट किया सभी ने? बताइए प्लीज. यस सर. ओके नाउ नाउ हम आपको पता है बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे बताना जरा. हाँ जी इसके बाद क्या करेंगे बेटा? जो A वेक्टर है उस A वेक्टर की वैल्यू को बेटा अज्यूम करें. ऐसे करवाया था ना बेटा मैंने लास्ट क्लास में? बताओ. नाउ लेट A वेक्टर जो आपका आया बेटा वो मान लिया मैंने A नॉट, कोस लिया था ना बेटा कोस. बताओ बेटा क्या? के वेक्टर. के वेक्टर डॉट आर वेक्टर. आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी. ओमेगा टी फिर मैंने इनटू ए कैप. ए कैप डायरेक्शन में ए कैप इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल. वेक्टर पोटेंशियल. उमेश थोड़ा धीरे बोल भाई मेरा कान का पर्दा पट जाएगा. सही बता रहा हूँ. हाँ एकदम सर में गई आवाज. मैंने ईयरफोन लगा रखा है ना तो आप धीरे से बोलते हो ना तो भी मेरे को सुनता है. थोड़ा सा धीरे बोलना आपकी बात. हाँ सो सबके साथ ऐसा ही हो रहा है सर. हाँ सबके साथ हो रहा होगा. मैं आपकी प्रॉब्लम के साथ पूरी तरह से आपके सहमति देता हूँ आपको क्योंकि मेरे को ये फील हुआ है. तो बेटा थोड़ा और करो इसको. अब मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी कोस थीटा को मैं कर सकता हूँ e की पावर आईटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आईटा थीटा बाय. बेटा एक बात और मैंने अज्यूम की थी यहाँ पर इस काम को करने से पहले वो बता देता हूँ. मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अज्यूम करता हूँ कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता. वी आर अज्यूम दैट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट वेरी विद टाइम. समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करता. दिस इंप्लाइज मैं A को ले सकता हूं A नॉट कोस के डॉट आर. मेरी बात समझे बेटा? मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि समय के साथ आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चेंज नहीं कर रही. तो मतलब वो टी वाला फैक्टर जो है वो कोई काम का नहीं आएगा बेटा. आई जस्ट टेक दिस एक्सप्रेशन इज लाइक दैट. बताओ बेटा. हाँ जी प्लीज बताओ बेटा. सहमत हो यहां तक? यस सर. सो लास्ट फाइनली बेटा हमने VMI का जो एक्सप्रेशन निकाल कर ले आए थे वो हमारा था माइनस क्यू बाई MC एंड दिस इज M और वी कैन से दैट अंदर क्या था बेटा बताओगे? हाँ जी A वेक्टर P ऑपरेटर इनटू बेटा N. बेटा ऐसा ही था क्या? यस दिस इज द ith स्टेट. This is the ith state. Very good. And मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि हम इस A को अज्यूम करते हैं बेटा कितना A not cos k dot r है ना. और बेटा मैंने बताया था
हम ये अज्यूम करते हैं कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसलिए टाइम वाले फैक्टर को मैंने हटा दिया था. एंड द डायरेक्शन इज ए कैप. ए कैप इज जस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल. वेरी गुड बेटा, वेक्टर पोटेंशियल. नाउ वी नो दैट कोस थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन बेटा टू. सो सिंपली दिस ए इज आल्सो रिटर्न एज ए नोट बाय टू e की पावर आइटा के डॉट आर, और वी कैन से दैट प्लस e की पावर के डॉट आर इनटू बेटा. दिस इज द डायरेक्शन, दैट इज द ए कैप. और अगर इनको हम सेपरेट करके लिखना चाहें तो सेपरेट करके भी लिख सकते हैं बेटा, ए नॉट बाय टू e की पावर आयोटा के डॉट आर प्लस ए नॉट बाय टू e की पावर, ए कैप भी साथ ले लो बेटा, e की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर ए कैप. तो जो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बेटा, बताओ जल्दी से. दिस इज द ए प्लस. ए प्लस का मतलब क्या बताया था बेटा, बताओगे मेरे को? हाँ जी बेटा, एब्जॉर्प्शन पार्ट. एब्जॉर्प्शन पार्ट, एब्जॉर्प्शन पार्ट, कि जो आपके पास ईएम वेव गिर रही है बेटा, उसका जो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट बेटा एमिट कर रहा है रिफ्लेक्ट होने के पश्चात. तो ए प्लस इज द एब्जॉर्प्शन पार्ट एंड ए माइनस इज द, वी कैन से दैट एमिशन. क्लियर बेटा, बताओ. हाँ जी, यस सर. सो बेटा हम ए प्लस माइनस को क्या लिख सकते हैं बेटा, नोट करो प्लीज यहां तक, प्लीज बेटा नोट करो यहां तक. हो गया बेटा नोट? यस ओके. सो बेटा ए प्लस माइनस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे बेटा, दैट इज ए नॉट बाय टू ए की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर, है ना बेटा. अगर ए प्लस लिखना चाहो तो ऊपर साइन प्लस का, और माइनस लिखना चाहो तो मेरे बेटा साइन किसका, माइनस का. जहां पर अगर मैं ए नोट की बात करूं तो ए नोट को मैंने दूसरा नाम बेटा क्या बताया था, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर. बेटा कोई मेरे को बताएगा ए नोट की वैल्यू हमने क्या मानी थी, बताओ बेटा. जी 2c, yes, 2c under the under root 2 pi h cut by omega बेटा. अगर आप a note करके भी पूरा expression करोगे बेटा, last answer निकालोगे तो भी कोई आपका answer गलत नहीं कर सकता. लेकिन इसको अगर हम और exactly देखें तो हम इस a note की value ये रख सकते हैं. तो a plus minus आपका क्या आया बेटा, अगर देखा जाए तो देखो 2 से 2 कट गया होगा, I think c अंडर द रूट 2 पाई एच कट बाई ओमेगा ए की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर इंटू मेरे बेटा ए कैप. देखना बेटा यही आएगा. हाँ जी प्लीज चेक इट बेटा, बताओ बेटा ये आया क्या. यस सर. इस ए के एक्सप्रेशन को बेटा हम पुट करेंगे. चलो पुट करने चलते हैं. So we get VMI is, इधर लिखता हूं बेटा, बताओ क्या आया था बेटा VMI के बाहर क्या था, माइनस क्यू अपॉन एम सी, अंदर बेटा एम पी एक ए वेक्टर. तो ए वेक्टर की वैल्यू बेटा आप रख सकते हो ना आप सी अंडर द रूट टू पाई एच कट अपॉन ओमेगा e की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर ए कैप इंटू बेटा पी ऑपरेटर इंटू आई. देखना बेटा मैं सही हूं क्या. हाँ जी बेटा ए वेक्टर डॉट पी था ना, बताओ बेटा. यस सही है ना बेटा, कोई गलती तो नहीं रखी है. एक बात बता सकते हो ये पी कैप क्या है, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर. और बेटा ये ए कैप क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल.
अब बेटा जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, तो बेटा देखो C से C कट जाएगा, आई थिंक आई गेट माइनस क्यू बाई एम अंडर द रूट टू पाई एच कट बाई ओमेगा एम e की पावर प्लस माइनस आयटा के डॉट आर ए कैप इनटू पी ऑपरेटर आई. दिस इज द ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ वी एम आई. प्लीज चेक इट बेटा, क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया? बताओ बेटा, इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. बताओ बेटा. हाँ जी, यस सर. नाउ मैं इसको बेटा एक बार दोबारा लिखता हूं. सो फाइनली बेटा हमारा वी एम आई आ चुका है माइनस क्यू बाई एम अंडर द रूट टू पाई एच कट बाई ओमेगा एम ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के आर इंटू ए कैप पी ऑपरेटर आई. नाउ बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो. क्या बेटा इसको मैं नियरली इक्वल टू लिख सकता हूं 1 प्लस x, है ना? लास्ट की टर्म्स को बेटा मैं अक्सर इग्नोर कर देता हूं, ठीक है, या ना भी करो तो कोई दिक्कत है नहीं. सो इसी तरीके से अगर मैं e की पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट r को लेकर चलूं, तो हमारा एक्सपेंशन आएगा बेटा 1 प्लस प्लस माइनस आयोटा के डॉट r प्लस प्लस माइनस आयोटा के डॉट r बाय 2 फैक्टोरियल, ये ऊपर वाले का स्क्वायर आएगा बेटा अप टू 100. अब बेटा यहां पर मैं मैग्नेटिक आपका डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा. लास्ट क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज की थी और e की पावर प्लस माइनस आयटा के डॉट आर को बेटा मैंने 1 से रिप्लेस करवाया, याद है बेटा आपको? हाँ जी बेटा, ऐसा ही था ना. बट इन मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन, मैग्नेटिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन के तहत बेटा मैं ई की पावर प्लस माइनस आईटा के डॉट आर को नियरली बेटा मानूंगा प्लस माइनस आयटा के डॉट आर. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिकंसिडर्ड पॉइंट इन द मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन. आपसे सिंपली एक बात भी पूछ सकता है कि मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन में, मैग्नेटिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन में e की पावर प्लस माइनस आयटा के डॉट आर को क्या पुट किया जाता है, तो कितना माना जाता है बेटा प्लस माइनस आयटा के, मतलब बेटा इस 1 को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और ये जो हाइयर टर्म्स हैं इनको भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एंड आई टेक ओनली आयटा के डॉट आर. बताओ बेटा, बात समझ में आई बेटा? हाँ जी, इस 1 को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और हाइयर टर्म्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इस अप्रोक्सीमेशन के तहत. बेटा मैंने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन करवाई थी, उसमें मैंने बताया था बेटा जो हायर टर्म्स को सारे को नेग्लेक्ट कर दिया और हमने सिर्फ बेटा इसको 1 के इक्वल रखा था. बताओ बेटा ऐसा किया था नहीं किया था बेटा? हाँ जी, यस सर. तो अगर बेटा ये चीज हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, तो व्हाट विल वी गेट वीएमआई बेटा? बताओ बेटा वीएमआई क्या मिला? हाँ जी, सो वीएमआई इज माइनस क्यू बाई एम, मैं जितनी बार लिखता हूं कोई दिक्कत नहीं है, टू पाई एच कट बाई ओमेगा
एम, और बेटा दिस इज द प्लस माइनस आयोटा की डॉट आर, इसको इस तरीके से ले लेता हूं बेटा, ए इंटू पी ऑपरेटर और बेटा आई। हाँ जी बेटा यही आएगा, प्लीज चेक इट। हाँ जी प्लीज चेक इट बेटा। यस सर। बेटा अगर प्लस माइनस के को अगर मैं भार लू, भार माइनस है तो वो हो जाएगा माइनस प्लस। बेटा ये चीज किसको समझ में आई? देखो बार चीज माइनस लग रही है, तो अगर हम प्लस का लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस का लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस प्लस क्यू बाई एम अंडर द रूट टू पाई एच कट बाई ओमेगा। और बेटा मेरे ख्याल से आयोटा भी बाहर ले लेना चाहिए हमें, आयोटा भी बाहर ले लिया बेटा, दिस इज जस्ट वी एम आई। तो अंदर बच गया एम के डॉट आर, और दूसरा फैक्टर है बेटा अपने पास ए डॉट पी ऑपरेटर आई। प्लीज बेटा इस चीज को एक बार देखिएगा, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई बेटा? हाँ जी नो सर। है बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। अरे अभी एक बच्चा नो सर बोला था। सर ये ऑपरेटर है। हाँ हाँ ये सर खाली ए के साथ डॉट में थोड़ी ना था, ये तो पूरी टर्म के साथ था ना। कहाँ बताओ ये सर? ये ए नहीं सर, नेक्स्ट पेज पे ही, उसी पे उसी पे। ये सर ए डॉट पी जो लिखा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? देखो मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया था, और कुछ भी नहीं है ये, जस्ट बेटा ये आईटा के आर इसको रिप्लेस किया था आपने, है ना बेटा? ये आपने रिप्लेस किया था बेटा, बताओ। yes, प्लस माइनस yes, को बाहर ले गया तो यहाँ पर क्या बच गया? जस्ट ए डॉट आर बच गया, के डॉट आर बच गया बेटा, के डॉट आर बताओ। हाँ जी और yes, ये क्या था बेटा यहाँ पर? ए डॉट पी, मैंने सिंपल यही लिया बेटा, और क्या लिया है बताओ? yes, सर। अगर रियलिटी में देखा जाए तो मैं आपको अभी अभी देखो अगला स्टेप में बेटा आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। We assume that, अभी क्लियर हो जाएगा बेटा ये बात। और We assume that, मैं कुछ चीजें अज्यूम करके चलता हूं, क्या बेटा? कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा वो अलोंग जेड एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है। We assume that EM वेव प्रोपोगेट अलोंग जेड एक्सिस। EM वेव किधर जा रही है बेटा? जेड एक्सिस की तरफ जा रही है। एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, बेटा प्लीज म्यूट कर लो, आप आवाज आ रही है थोड़ी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल इज अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तो जेड एक्सिस में है, और जो वेक्टर पोटेंशियल की जो डायरेक्शन है बेटा वो अलोंग किधर है? एक्स एक्सिस। आप कुछ भी मान सकते हो, आप अपने इस चीज को सोल्व करने के लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक्स की तरफ मूव करवा दो, वेक्टर पोटेंशियल को वाई, लेकिन बेटा एक बात निर्धारित है, जो प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन मतलब बेटा के वेक्टर, और वेक्टर पोटेंशियल मेरे को कहीं ना कहीं क्या देगा बेटा? ए वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में की है तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल मुद्दे किधर ले लिया बेटा? एक्स ले लिया। आप वाई भी ले सकते हो, लेकिन जेड मत ले लेना, मतलब के वेक्टर एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। आप कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो, मैंने ये ले ली, आप कोई और भी डायरेक्शन लेके सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। तो मैंने क्या लिया? मैंने लिया जो के वेक्टर है बेटा, दिस के वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस। मतलब बेटा देखो के वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते बेटा? के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप, के जेड के कैप। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने क्या लिया है?
कि जो प्रोपोगेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोपोगेट कर रही है, मतलब जो के वेक्टर है वो अलोंग जेड एक्सिस है, इसका मतलब बेटा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कितना है बताओ बेटा, जीरो। मीन्स के वेक्टर जो है बेटा के प्रोपोगेशन वेक्टर कहलाता है, के को हम क्या कहते हैं प्रोपोगेशन वेक्टर। इसकी वैल्यू की बात करूं तो होती है 2π/λ, द वैल्यू ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर इज 2π/λ। तो बताओ बेटा अलोंग जेड एक्सिस मान लिया तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट कितने हो गए बेटा, जीरो। तो के वेक्टर जस्ट कितना है बेटा बताना जल्दी से, kz into k cap। बताओ बेटा ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। यस सर। आर वेक्टर क्या होता है बेटा, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज द जर्नल आर वेक्टर। आर वेक्टर की नोटेशन क्या होती है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बेटा अगर मैं यहां से के डॉट आर निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा देखना, के जेड के कैप एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आप बेटा बताओ जल्दी से, वेक्टर पोटेंशियल एक्स एक्सिस में है तो वाई के वाई और जेड वाले जीरो नहीं हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर में? क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो, पता ही नहीं चल रहा आपको। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का वेक्टर पोटेंशियल से क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर का वेक्टर पोटेंशियल से क्या ताल्लुकात है? वो जब मैं आपका वेक्टर पोटेंशियल कहूंगा कि वेक्टर पोटेंशियल ए है उसके वेक्टर लिखूंगा तो मैं वाई और जेड की जीरो करूंगा कंपोनेंट, लेकिन पोजीशन वेक्टर तो इन जर्नल है ना, वो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। पोजीशन वेक्टर का वेक्टर पोटेंशियल के साथ क्या ताल्लुक है ये बताओ आप। पोजीशन वेक्टर तो जर्नल है कि मान लो एक पार्टिकल है, ये एक्स वाई जेड प्लेन्स हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर आर लिखना चाहूं तो वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। ये तो इन जर्नल होता है, इसका वेक्टर पोटेंशियल के साथ क्या लेना देना है, इसका तो प्रोपोगेशन वेक्टर के साथ भी लेना देना नहीं। ये तो जर्नल एक एक्सप्रेशन होता है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वी कैन से दैट द पोजीशन वेक्टर, इसका वेक्टर पोटेंशियल के साथ क्या लेना देना ये बताओ। आपने क्या सोच के इसका पूछा बेटा? हाँ जी बताओ बेटा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे आया कि वेक्टर पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस है तो पोजीशन वेक्टर का वेक्टर पोटेंशियल के साथ, ये कैसे बेटा? उधर हो जाओ, है ना, इस हाँ उधर बैठ जाओ बेटा। हाँ तो बताना बेटा। तो वो तो वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन है ना, जब वेक्टर पोटेंशियल का जिक्र करूंगा उस समय मैं बताऊंगा बेटा वो चीज। अब आप ये बताओ इसका प्रोडक्ट कितना होगा, बताओ बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, के साथ आई का उमेश कितना होता है, जीरो जीरो। के का जे के साथ जीरो, के का के के साथ रहेगा बेटा, तो सिंपल मैं के जेड इंटू जेड लिख सकता हूँ, बताओ बेटा। हाँ जी सर। चलो क्लियर होगी बेटा, एक बात क्लियर होगी, तो मैं के डॉट आर को बेटा ये लिख दूंगा, लिख सकता हूँ ना, के जेड इंटू जेड मैं लिखूंगा बेटा, बाद में इसका इस्तेमाल करूंगा। चलो और काम करते हैं पहले। अब देखो बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे टर्न करूं, बताओ। यस सर। ओके बेटा, ए वेक्टर क्या था बताना प्लीज, ए वेक्टर क्या था, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। और बेटा हमने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल क्या मानना है बताओ जल्दी से अजम्पशन में, कि वेक्टर एक्स एक्सिस के अलावा। भाई ये कौन बच्चा था एक बार बताओगे मेरे को? है जी एक मिनट रुको। सो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या बताया था बेटा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बताओगे? हाँ जी एक्स एक्सिस के अलावा। तो आई टेक आई कैप, क्लियर बेटा। और अगर मैं पी ऑपरेटर की बात करूं बेटा, पी ऑपरेटर क्या होता है बताना जल्दी से, माइनस आल्टा एच कट डेल।
होता है बेटा बताओ। अब आज मैं आपको डेल ऑपरेटर के बारे में और बता देता हूँ। डेल ऑपरेटर होता है बेटा आयोटा करली बाई कर आयोटा नहीं बेटा आई कैप करली बाई करली एक्स जे कैप करली बाई करली वाई के कैप करली बाई करली जेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर की बेटा जो अब तक आप पढ़ते आए हो उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है करली बाई करली एक्स आई कैप करली बाई का जे कैप और करली बाई करली रेड बेटा के कैप। तो बेटा क्या एक्सप्रेशन बन गया हमारा देखना माइनस आयोटा एच कैप बताओ बेटा प्लीज आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर। बताओ बेटा बताओ ये चीज समझ में आई बेटा। हाँ जी यस सर। तो बेटा हमें निकालना क्या है हमें निकालना है ए कैप डॉट पी ऑपरेटर ये निकालना था बेटा। अब ए कैप कितना है बेटा आई कैप और जो ऑपरेटर है वो कितना है माइनस आईटा एच कट आई कैप करली बाई करली एक्स जे कैप करली बाई करली वाई के कैप करली बाई करली जेड। बेटा मेरे को एक बात बताओ आई का किसके साथ बेटा आएगा सिर्फ बताओ बेटा आई का आई कैप के साथ आएगा ना बाकी तो सारा कितना हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कितना बच जाएगा बेटा माइनस आयोटा एच कट करली बाई करली एक्स बताओ बेटा क्या ये चीज आएगी प्लीज बताओ क्या ए डॉट पी ऑपरेटर की वैल्यू ये आएगी। हाँ जी यस सर बताओ। तो अब इस चीज का यूज करेंगे और बेटा एक चीज ये बताओ के डॉट आर कितना है सर ये कैसे कर दिया एक बार बताना ये बताओ बताओ क्या बताओ बेटा बताओ ये डेल ऑपरेटर ये बताओ ये ए डॉट ए डॉट पी कैसे जो निकाला है ना अरे देखो ना बेटा ये आईटा कैसे कर दिया है लो देखो देखो बेटा जो कांस्टेंट उसको एक मिनट के लिए बाहर निकाल लो ये कांस्टेंट है ना माइनस आई टच कर इसको बाहर निकाल लो। अब बच क्या गया बेटा आई डॉट और ये पूरा फैक्टर आई डॉट आ गया सर आ गया समझ में आ गया। अब मैं पूरा मिटा दिया जब आ गया अब मेरे को लिखने दो पूरा हैं करली बाई करली जेड और अब ये किसके साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा बेटा आई के साथ आएगा आई का जे के साथ और आई का के साथ कितना आएगा बेटा जीरो आएगा। तो आई थिंक वी गेट आईटा एच कट करली बाई करली एक्स। अब बताओ बेटा अब आ गया सतेंद्र की आवाज लग रही थी मेरे को ये आ गया सर आ गया ओके। सो नाउ बेटा अगर हम थोड़ा और काम करना स्टार्ट करते हैं इस पे और डिस्कशन करते हैं बेटा के डॉट आर कितना आया था बेटा बताओ ना के डॉट आर के जेड इंटू जेड के जेड इंटू जेड है ना बेटा। इन दोनों की वैल्यू को हम अपने वीएमआई के अंदर पुट करते हैं। चलो बेटा करते हैं वीएमआई के तो वीएमआई के अंदर बेटा इन दोनों वैल्यूज को पुट करोगे बताओ बेटा वीएमआई के अंदर बार क्या था माइनस प्लस आयोटा बेटा क्या क्या आया था बता दो ना। हाँ जी क्यू बाई एम क्यू बाई एम वेरी गुड बेटा अंडर द रूट टू पाई एच कट बाई ओमेगा बेटा सही है ना। हाँ जी 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 सर एम और बेटा अभी बताओ के डॉट आर की वैल्यू कितनी आई बेटा के जेड इंटू जेड है ना बेटा जस्ट के जेड इंटू जेड और बेटा ए डॉट पी की कितनी वैल्यू आई ये बताना बेटा प्लीज। हाँ जी माइनस आल्टा एच कट बताओ बेटा कर्ल बाय कर्ल एक्स और ये बेटा आई स्टेट बताओ बेटा आया। अब बेटा जो कॉन्स्टेंट है उसको अगेन बाहर ले लू तो बेटा ये जो चीज है माइनस आईटा एच कट ये भी कॉन्स्टेंट है और जो प्रोपोगेशन वेक्टर है दिस के जेड एक्चुअली पूरा प्रोपोगेशन वेक्टर ही बेटा कॉन्स्टेंट होता है तो इसका जो जेड कंपोनेंट है ये भी क्या रहेगा बेटा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। प्रोपोगेशन वेक्टर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट क्यों बेटा प्रोपोगेशन वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है टू पाई बाई लैम्बडा और बेटा किसी भी वेव को जो मैं वेव डाल रहा हूँ उसकी बेटा वेवलेंथ तो फिक्स होगी ना कि हम वेवलेंथ विजिबल रीजन की डाल रहे हो आईआर रीजन की डाल रहे हो तो लैम्बडा फिक्स तो के फिक्स तो ये आपका कॉन्स्टेंट होता है।
तो कॉन्स्टेंट वाले फैक्टर को बाहर निकालता हूं। बेटा एक बात बताना, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा बेटा बताओ? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा माइनस वन, और ये उस माइनस के साथ ये एक माइनस देखो ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा ना बेटा। आई थिंक हमें एक्सप्रेशन मिलेगा बेटा माइनस प्लस क्यू इंटू बेटा के जेड भी बाहर आ गया, प्रोपोगेशन वेक्टर इज कॉन्स्टेंट, डिवाइड बाई एम अंडर द रूट टू पाई एच कट बाई ओमेगा, और बेटा अंदर बच गया एम जेड करली बाई करली एक्स आई, दिस इज अवर वी एम आई। प्लीज चेक इट बेटा, क्या आपका वी एम आई ये आया? हाँ जी सर, ये अंदर वाला एच कट एक एच कट, बिल्कुल बेटा एक अंदर वाला एच कट भी आया। अब ठीक है बेटा, अब देखो अब सही लग रहा है मेरे। हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। अब इसको बेटा हम थोड़ा सा इस अंदर वाले जो पोर्शन है बेटा इसको थोड़ा सा अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस अंदर वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में लेकर जाऊंगा, ठीक है? हालांकि मैंने एक बुक देखी आपकी, उस बुक में यहां तक करके इसका स्क्वायर लेकर रखा था, लेकिन बेटा इतना थोड़ा सा शॉर्ट सही नहीं है, हम थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको अभी, ठीक है? तो सोल्व करते हैं बेटा, हम ये अंदर वाला पोर्शन सोल्व करना चाहते हैं मेनली ये वाली चीज बेटा, और फिर इसकी वैल्यू रख देंगे और फिर बेटा आपका सारा खेल खत्म। अब देखो करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ कॉम्यूटेशन ब्रैकेट्स है, पहले मैं आपको वो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट्स करवाता हूं बेटा ताकि वो हम यूज कर सके। तो पहले मैं कुछ कॉम्यूटेशन रिलेशन आपको पढ़ाता हूं, ठीक है बेटा, ताकि हम उनका यूज कर सके, ठीक है? सम इंपोर्टेंट बेटा इसको नीचे करो, नीचे कर दो, हाँ और तेज करो बस। सम इंपोर्टेंट कम्यूटेशन ब्रैकेट्स देखेगा बेटा। पहली कम्यूटेशन आप मेरे को बताओगे बेटा, हमने शायद कल भी की थी बेटा, कि x का अगर मैं px के साथ करता हूं तो कितना आता है बेटा बताना प्लीज। हाँ जी ये कल हमने सोल्व किया था बेटा, शायद याद होगा, आयोटा इंटू एच कट। आयोटा एच कट। अगर बेटा आप x का py के साथ करोगे तो बताओ बेटा कितना आएगा? दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो। ये चीज बेटा कितनी आती है आपकी? जीरो आती है। सिर्फ y का py के साथ, z का pz के साथ आयोटा एच कट आता है, बाकी आपके सारे के सारे टर्म्स क्या आती है बेटा? जीरो आते हैं। बताओ बेटा मेरी बात समझ में आई है बात? हाँ जी। सिमिलरली बेटा अगर मैं ये करूं कभी बताना, z का px के साथ बताना बेटा कितना आएगा? दिस कम्यूटेशन इज आल्सो बिकम जीरो, ठीक है? तो हम ये इन कम्यूटेशंस का बेटा यूज करेंगे। और बताता हूं बेटा मैं आपको छोटे छोटे कम्यूटेशन। आपने बेटा कभी आपने ये रिजल्ट पढ़ा हो कि इसको हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल कि आर डॉट जो होता है, मतलब कोई भी ऑपरेटर कोई भी फंक्शन का जो डॉट होता है, डॉट मतलब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो जो होता है बेटा वो होता है वन अपॉन आयोटा एच कट कॉम्यूटेशन ऑफ आर एंड हैमिल्टोनियन। बेटा ये चीज आपने कभी जिंदगी में देखी है? पहले ये बताओ मैं। हाँ जी क्या क्लासिकल में बेटा ये चीज आपने, या क्वांटम भी पढ़ चुके हो आप फर्स्ट सेम के अंदर, बताओ बेटा ये रिलेशन आपके साथ कभी आया है? है बेटा? हाँ जी यस सर। बेटा आर डॉट का मतलब जस्ट क्या है? डी आर बाई डी टी, ये देखा हो आपने, वन अपॉन आयोटा एच कट कॉम्यूटेशन ऑफ आर और एच, इसको हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं बेटा। उस प्रिंसिपल के तहत ये रिजल्ट आपका आता है, इस रिजल्ट का भी बेटा मैं इस्तेमाल करूंगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनका बेटा मैं इस्तेमाल करूंगा, आप जब मैं इन एक्सप्रेशंस पे आऊं तो आप मेरे को बताना, ठीक है बेटा? क्लियर? इसको पूरे को बेटा एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इन रिजल्ट्स का मैं इस्तेमाल करूंगा आज के अपने इस टॉपिक के अंदर।
चलो बेटा इसको पूरे को एक ब्रैकेट में बंद कर लो, इसका मैं यूज करता रहूंगा जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी। चलो बेटा मैं थोड़ा सा, हाँ जी बताओ बेटा। यस यस। सो बेटा VMI कितना आया था मेरे बेटा, VMI का एक्सप्रेशन कितना आया था बेटा, जितनी बार लिखोगे उतने अच्छा रहेगा, माइनस प्लस क्यू बताओ बेटा एच कट केजेड बाई एम अंडर द रूट टू पाई एच कट बाई ओमेगा एम बताओ बेटा जेड करली बाई करली एक्स आई। बेटा यही आया था ना, हाँ जी बेटा बताइए। ये जेड इंटू करली बाई करली एक्स आया था बेटा, करली बाई करली एक्स इंटू जेड आया था, बताओ यही आया था ना बेटा, जेड इंटू यस सर। ओके यही आया था बेटा, यही आया था, बिल्कुल यही आया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा मैं इस अंदर वाली टर्म को मैं सोल्व करूंगा। देखो जेड करली बाई करली एक्स इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, वन बाई टू टू इंटू जेड करली बाई करली एक्स, बताओ बेटा। अरे टू से मल्टीप्लाई किया बेटा, टू से डिवाइड किया है, कोई फर्क पड़ा बताओ बेटा, हाँ जी। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वन बाई टू जेड करली बाई करली एक्स प्लस जेड करली बाई करली एक्स। बेटा मैं एक फेमस फॉर्म लेके आना चाहता हूं, उस फॉर्म के लिए मैं ये सारा काम कर रहा हूं बेटा, बताओ यहां तक नोट हुआ बेटा आपका, बताओ प्लीज। हाँ जी यस सर। ओके अब बेटा इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं थोड़ा सा काम करूंगा, क्या काम करूंगा बेटा, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक पर्टिकुलर चीज को ऐड करूंगा, दैट इज एक्स करली बाई करली जेड, और इसी को बेटा सब्ट्रैक्ट करूंगा, बताओ कोई फर्क पड़ेगा बेटा, एक पर्टिकुलर चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या एक्सप्रेशन में कोई प्रभाव पड़ेगा बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी नो सर। तो इसको बेटा मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, वन बाई टू जेड करली बाई करली एक्स, और बेटा ये माइनस वाली टर्म में आगे ले लेता हूं, माइनस एक्स करली बाई करली जेड, एक तो ये टर्म बना दूंगा बेटा, और दूसरी टर्म बना दूंगा मैं वन बाई टू जेड करली बाई करली एक्स प्लस एक्स करली बाई करली जेड, बताओ बेटा प्लीज क्या हम जेड करली बाई करली एक्स को ये चीज लिख सकते हैं बेटा, मैंने जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया, प्लीज बेटा नोट करो, क्या हम इस चीज को ये लिख सकते हैं बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो, मैंने टू से डिवाइड किया, टू से मल्टीप्लाई किया, टू से मल्टीप्लाई का मतलब बेटा इसको मैंने दो बार लिख दिया, फिर मैंने क्या किया बेटा एक पर्टिकुलर चीज उसमें से जोड़ दी, देखता एक्स करली बाई करली जेड, और एक्स करली बाई करली जेड कोई बेटा क्या कर दिया घटा दिया, अब इस टर्म को मैं आगे लिख दिया जेड करली बाई करली एक्स माइनस एक्स करली बाई करली जेड, और बेटा इन दो जो बच गई थी उनको मैंने अलग से लिख लिया। ऐसा क्यों किया अब आपको पता लगेगा बेटा, मैं एक्चुअली इसको सोल्व करना चाहता हूं, मैं इस जेड करली बाई करली एक्स को सोल्व करना चाहता हूं, इसलिए बेटा मैं ये सारे काम कर रहा हूं, मैं इसको फाइनली एक छोटे से एक्सप्रेशन में बनाना चाहता हूं, मैं इसको एक वैल्यूएबल चीज देना चाहता हूं, इसलिए बेटा मैं ये काम कर रहा हूं। तो अब ये जो चीज है बेटा ये मैं आगे के नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा ये किस तरीके से होता है, आप बताओ बेटा यहां से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं। तो मैंने बताया बेटा एल आपका एंगुलर मोमेंटम है, पहले मैं इस ए टर्म को सोल्व करके लेकर आता हूं बेटा, फिर मैं बी टर्म को सोल्व करूंगा। तो ए टर्म में मैंने बताया बेटा एल अगर एंगुलर मोमेंटम होता है, आर पोजिशन वैक्टर है, और पी बेटा क्या है लीनियर मोमेंटम है, जस्ट एक छोटी सी मैथमेटिक्स है बेटा। तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर है, एल वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप, और बेटा दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है बेटा, इस तरीके से निकाला जाता है आई जे के। आर वेक्टर क्या है बेटा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो बेटा क्या ले लिया मैंने आर वेक्टर का एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। सिमिलरली बेटा पी वेक्टर कैसे है हमारा, पी एक्स आई कैप
पी वाई जे कैप पी जेड के कैप, इसका मैंने क्या ले लिया बेटा पी एक्स पी वाई पी जेड, क्लियर बेटा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं बेटा, एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप, तो बेटा मेरे ख्याल से मैं इसको थोड़ा सा सुंदर रूप दूं आई कैप के साथ, बताओ बेटा आई कैप के साथ क्या आएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप वाला देख रहे हो तो इन दो इनको छोड़ दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड में बेटा जे के साथ माइनस जे कैप क्या आता है बेटा बताना जल्दी से, अब एक जे वाली लाइन छोड़ दो बेटा और ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, तो क्या बच गया बेटा एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। और सिमिलरली बेटा के कैप के साथ हम क्या लेंगे बताओ बेटा, के कैप के साथ क्या लें, हाँ जी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब थोड़ा सा बेटा और रीअरेंज कर लेते हैं, तो आई कैप वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे कैप, बेटा माइनस को अगर अंदर लूं तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो बेटा यहां से अगर हम जे कैप को जे कैप के साथ कंपेयर करें मेरे बेटा, तो बताइए मेरे को एल वाई की वैल्यू कितनी मिली बेटा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, बताओ बेटा ये वैल्यू मिली या नहीं मिली, हाँ जी बताओ बेटा प्लीज, हाँ जी सर ओके मिल गई सर। दूसरा बात बेटा, मैंने ए को थोड़ा सा खोल के लिखा था, मैंने कहा था कि मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं बेटा किससे बताना बेटा, माइनस आयोटा एच कट से। तो अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे इसको माइनस आयोटा एच कट से, तो आपको बेटा यहां पर अंदर एक सुंदर सी टर्म दिखेगी, क्या देखना जरा, अगर आपने ऐसा किया बेटा तो वन अपॉन माइनस आयोटा एच कट बताना बेटा ऊपर जेड, बताइए क्या बना बेटा माइनस आयोटा एच कट कर ली बाई कर ली एक्स, बताना बेटा पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। और बेटा अभी अभी बताओ जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड की वैल्यू कितनी निकाल के ले आए बेटा आप, एल वाई है ना, एंगुलर मोमेंटम का बेटा जे कंपोनेंट। तो सिमिलरली बेटा अगर आप एल वाई पुट कर देते हो तो वी गेट ए इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस आयटा एच कट, बताओ बेटा आगे, हाँ जी एल वाई, बताओ बेटा ये मिलेगा नहीं मिलेगा प्लीज, हाँ जी लास्ट क्लास में बेटा आपने ए की वैल्यू यही ओके, लास्ट क्लास में बेटा हमने इस ए की वैल्यू को ऐसे ही निकाला था, तो बेटा आप बेटा ए बेटा आयोटा को मैं ऊपर भी लेके गया था क्या, हाँ जी बताओ बेटा, नो सर ऐसे बस इसी फॉर्म में था तो इसी फॉर्म में रहना, अगर आप आयोटा को ऊपर भी ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो बेटा आपने ए टर्म के बारे में अच्छे से ज्ञात कर लिया, ए टर्म को लिख लिया, अब सिमिलरली बेटा बी टर्म को लिखते हैं, फिर ए बी को पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन बेटा सोल्व हो जाएगा। अब बताओ बेटा बी टर्म क्या है, जेड करली बाई करली एक्स प्लस एक्स करली बाई करली जेड, बेटा किसी को ना आए तो प्लीज मुझे रोक कर पूछ लेना ठीक है, मैं पूरा टॉपिक दोबारा बता दूंगा। टर्म क्या है बेटा बी बताना प्लीज, जेड करली बाई करली एक्स प्लस एक्स करली बाई करली जेड। अब बेटा इस बी को थोड़ा सा सुंदर तरीके से सोल्व करना सिखाता हूं बेटा मैं, आप थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बेटा इसमें, चलो काम करते हैं अच्छा वाला, ध्यान से सुनिएगा बेटा। वी नो डैट, हम जानते हैं क्या, वी नो डैट बेटा मोमेंटम ऑपरेटर पी वेक्टर क्या होता है बेटा बताओगे, मोमेंटम ऑपरेटर माइनस, अगर मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट देखूं तो क्या बनेगा बेटा बताना, माइनस आयोटा एच कट करली बाई करली एक्स, बनेगा नहीं बनेगा बेटा बताओ प्लीज, हाँ जी बताओ बेटा, यस सर। और मोमेंटम बेटा वैसे होता क्या है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी ठीक है, तो हम इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूं वी एक्स को क्या लिख सकता हूं बेटा, डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजिशन,
या बेटा इसको x डॉट भी लिख सकते हो। तो क्या हो गया बेटा, इसको मैं x डॉट इस तरीके से भी लिख सकता हूं। x डॉट का मतलब क्या है बेटा, d बाई डी टी। क्लियर, बताओ बेटा ये चीज क्लियर है। दिस इंप्लाइज बेटा यहां से मैं x डॉट क्या लिख सकता हूं बताना प्लीज। x डॉट छोड़ो, मैं यहां से करली बाई करली x क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन माइनस आयोटा एच कट, और बेटा साइड में बताना एम एक्स डॉट। बताओ बेटा क्या इस बात से सहमत हो यहां तक? हाँ जी बताओ बेटा। सिमिलरली अगर बेटा मैं पी जेड लिखूं तो बताना पी जेड क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट करली बाई करली जेड। ये तो ऑपरेटर हो गया बेटा, मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। वैसे क्या लिख सकते हैं बेटा, मास इंटू जेड वेलोसिटी। जेड डॉट क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी। इससे बेटा हमें एक बात और पता लगा कि करली बाई करली जेड को मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, वन अपॉन माइनस आयोटा एच कट एम जेड डॉट। लो बेटा करली बाई करली एक्स और करली बाई करली जेड की वैल्यू मेरी आ गई। अब कल मैंने एक बात बताई थी हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू, क्या बेटा बताओ जल्दी से, हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या बताई थी बेटा हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट बताना, कि आर डॉट क्या होता है बेटा, वन अपॉन आयोटा एच कम्यूटेशन ऑफ आर एंड एच। सिमिलरली बेटा अगर मैं लिखना चाहूं एक्स डॉट की वैल्यू तो बताना बेटा एक्स डॉट क्या होगा, वन अपॉन आयोटा एच कट, बताना बेटा प्लीज आगे, एक्स इंटू एच होगा बेटा। बुलाओ, हाँ जी, अगर मैं जेड डॉट लिखना चाहूं तो क्या होगा बेटा, वन अपॉन आयोटा एच माइनस। कहां बेटा, कहां माइनस, कहां? अच्छा सर वैसे लगे, हाँ हाँ। तो जेड डॉट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा बेटा, जेड और एच। बताओ क्या एक्स डॉट और जेड डॉट की वैल्यू हाइजनबर्ग प्रिंसिपल से बेटा हम ऐसे निकाल सकते हैं, बताइए प्लीज। हाँ जी बेटा, अगर ये वैल्यू निकाल सकते हो तो करली बाई करली एक्स मेरा बन गया बेटा वन अपॉन माइनस आयोटा एच कट इंटू बेटा एम, और एक्स डॉट की वैल्यू बताना बेटा, वन अपॉन आयोटा एच कट कम्यूटेशन ऑफ एक्स एंड एच। सो करली बाई करली एक्स इज फाइनली बेटा, बेटा आयोटा स्क्वायर कितना होता है, हाँ जी माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो एम अपॉन एच कट स्क्वायर कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ एक्स एंड एच, ये बेटा आपका रिजल्ट आ जाएगा। बताओ बेटा इस बात से सहमत हो आप? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। यस सर। बेटा चेक करो प्लीज, सही है क्या हमारा रिजल्ट? ओके और चलते हैं बेटा, थोड़ा सा और काम करते हैं। अगर मैं करली बाई करली जेड को लिखना चाहूं बेटा तो बताना, वन अपॉन माइनस आयोटा एच कट। बेटा आप अपनी स्क्रीन पर जूम कर लिया करो ऐसे उंगली रख के, तो जहां से लिख रहा हूं वहां वहां का हिस्सा बड़ा हो जाएगा बेटा, ठीक है, और अच्छे से देखने के लिए। एम जेड डॉट की वैल्यू बेटा वन अपॉन आयोटा एच कट जेड और एच का कॉम्बिनेशन, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एम अपॉन एच कट स्क्वायर, बताओ बेटा जेड और एच का कॉम्बिनेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ करली बाई करली जेड। तो बेटा मैंने करली बाई करली एक्स और करली बाई करली जेड की जो है वैल्यू यहां से निकाल ली, तो आई थिंक बेटा बी की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी यस सर। ओके सो बेटा बी फाइनली आपका आ गया, सो बी इज क्या था बेटा, बी जेड करली बाई करली एक्स प्लस एक्स करली बाई करली जेड। तो बेटा ये क्या आया, जेड और करली बाई करली एक्स की वैल्यू क्या बताई बेटा मैंने अभी, बताओ जल्दी से, एम अपॉन एच कट स्क्वायर कम्यूटेशन ऑफ एक्स एंड एच। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूं एक्स एम अपॉन एच कट स्क्वायर और बेटा किसका, जेड और एच का कम्यूटेशन, तो दिस इज द ब्यूटिफुल वैल्यू ऑफ बी। प्लीज चेक इट बेटा, बी की वैल्यू यही आएगी क्या? हाँ जी
प्लीज चेक इट बेटा। बताइए मेरे को, अरे बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो सर, बीच में कट रही है। बीच में, बीच में कट रही है। अब बताओ, अब सुनाई दे रही है बेटा? अब नहीं कटेगी। हाँ जी सर, अभी अब बिल्कुल नहीं कटेगी बेटा। अब तक सुनो, पूरे लेक्चर में कट रही थी, अभी कटी थी सर? बीच बीच में कटती थी थोड़ी थोड़ी। ओके, अब समझ में तो आ गया ना मतलब? इतना आगे चलो मैं? हाँ जी, हाँ जी सर, चलो चलो। तो बेटा ए और बी की वैल्यू आप किसी तरीके से निकाल के ले आए, तो अब बेटा अब नहीं कटेगी बिल्कुल। देखो तो फाइनली बेटा हमने इस कर्ल जेड कर दी बाई कर दिया जिसको लिखा था हाफ ए प्लस हाफ बी। तो बेटा बताओ प्लीज, जेड कर ली बाई कर दी एक्स आपका कितना आ गया बेटा अंत में? सो दिस इंप्लाइज जेड कर ली बाई कर ली एक्स इज इक्वल टू हाफ। बताना बेटा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू बताओ बेटा क्या निकल के आई थी? एल वाई अपॉन, बताओ बेटा, माइनस आई टू एच का प्लस वन बाई टू। बेटा बी की वैल्यू कितनी आई? बेटा इसमें कॉमन ले लो ना, एम एच कट स्क्वायर ले सकते हैं ना, दोनों में से कॉमन एम एच कट स्क्वायर। तो एम एच कट स्क्वायर मैंने कॉमन ले डाला, तो बच गया क्या अंदर बेटा? जेड कम्यूटेशन ऑफ एक्स एंड एच प्लस एक्स कम्यूटेशन ऑफ जेड एंड एच। ठीक है बेटा, ये आपका जो है रिजल्ट बेटा आ गया। बताओ बेटा क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? हाँ जी बताओ बेटा। यार इसमें जो ये एक्स के साथ जो कम्यूटेशन है, हाँ ये वो वाली फॉर्म बन गई क्या, ए बी सी वाली? बना सकते हैं उसको, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते बेटा। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो चलो कर देता हूँ आपके लिए ये स्टेप। आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, जैसे पहला टर्म है एक्स जेड एच, दूसरी टर्म में बेटा एक्स एच जेड को एक बार मैं आगे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कम्यूटेशन में अंदर आप लेके जाओगे तो फर्क पड़ेगा, कम्यूटेशन के बाहर है तो उसको बाहर लिख सकते हो बेटा। अब ये फॉर्मूला बन गया बेटा x इंटू जेड और h का कम्यूटेशन, क्योंकि बेटा एक फॉर्मूला पढ़ाया शायद आपने कभी, a b और c का कम्यूटेशन क्या होता है बेटा? a को बाहर b और c का कम्यूटेशन प्लस a और c और बेटा b को बाहर। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेशन कहते हैं, है ना बेटा? पढ़ा है ये चीज? बताओ। हाँ जी सर। तो बेटा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या? कम्यूटेशन ऑफ एक्स जेड और एच। तो फाइनली बेटा जेड कर्ली बाई कर्ली एक्स आपने निकाल के ले आए कितना बेटा? वन बाई टू एल वाई अपॉन माइनस आईटा एच कट एम अपॉन टू एच कट स्क्वायर एंड कम्यूटेशन ऑफ एक्स जेड और एच। This is the value of z curly by curly x. बताओ बेटा, got it? हाँ जी बताओ बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? जी सर। अब बेटा आप VMI का expression पता लगी गया। VMI क्या था बेटा, बताओ जल्दी से। VMI minus plus, हाँ बेटा Q M, sorry M तो नीचे था, Q H cut, मैं बताता हूँ Q, हाँ बिल्कुल Q H cut K Z by m under the root 2 pi h cut by omega। बेटा ऐसा ही था ना? हाँ जी m, और बेटा अंदर क्या था? z curly by curly x, z curly by curly x, ये था बेटा। तो आ गया बिल्कुल minus plus q h cut k z by m अंडर द रूट टू पाई एच कट बाई ओमेगा एम
और बेटा जेड करली बाई करली एक्स की बहुत खूबसूरत वैल्यू आप निकाल के लेके आए हो, 1/2 एल वाई अपॉन माइनस आई टैच कट प्लस कितना बेटा एम अपॉन 2h कट स्क्वायर, है ना बेटा, ऐसा ही था ना, एक्स जेड और एच का कॉम्बिनेशन, और फिर बेटा ये ith स्टेट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर VMI, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर VMI अकॉर्डिंग टू किसके बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन, उसके तहत बेटा VMI की वैल्यू आपकी ये आए। बताओ बेटा क्या आपको क्लियर है ये चीज? हाँ जी बताओ बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल, मैं जो पूछू वो बच्चा बताएगा बेटा, है ना, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बच्चा इसका जवाब देगा। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 है यहां पर, प्लीज अनम्यूट करें। रोल नंबर 5, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। ओके बेटा, फर्मी गोल्डन रूल के अनुसार ट्रांजिशन रेट का फार्मूला क्या था, शायद उसको W से रिप्रेजेंट करते थे बेटा। हाँ जी सर। कितना होता था बेटा? सर कितना होता था? 2π/h² वेरी गुड। मोड ऑफ VMI वेरी गुड। अपॉन रोई अपॉन रोई अपॉन नहीं नहीं सर इधर रोई, ये फॉर्मूला है, देखना बेटा कुछ यस सर देख लो दोबारा, इतनी जल्दी यस मत करो, पेज पलट रहे हो। मोड का स्केयर आएगा। हाँ आपने जो पेज पलटा है उससे मेरे को पता लग गया। सो ट्रांजिशन रेट का ये फॉर्मूला है, सो पुट द एक्सप्रेशन ऑफ VMI हियर, वी गेट बेटा 2। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज 2π/h² VMI, VMI कितना बेटा, अब मोड माइनस प्लस, मोड तो प्लस कर देगा बेटा उसको, QH cut KZ/M, और बेटा 1/2 भी बेशक हम बाहर ले सकते हैं सारे को, है ना, 1/2 अंडर द रूट 2π/h cut/ω M Ly/-h cut प्लस M/h cut² एक्स जेड और एच का कॉम्बिनेशन, और बेटा आई इस चीज का स्क्वायर इनटू बेटा रोई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रांजिशन रेट अकॉर्डिंग टू द फर्मी गोल्डन रूल और अकॉर्डिंग टू बेटा मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेशन। ये लिख सकते हो दिस इज द ट्रांजिशन रेट एक्सप्रेशन। हेलो बेटा म्यूट कर लो प्लीज, यूजिंग म्यूट नहीं करना आता आई थिंक। अकॉर्डिंग टू द, सो दिस इज द ट्रांजिशन रेट एक्सप्रेशन यूजिंग क्या बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन। सो मैग्नेटिक डाइपोल अप्रोक्सीमेशन के तहत ये बेटा आपका ट्रांजिशन रेट का फॉर्मूला था। बताओ बेटा क्लियर है ये चीज? बताओ हाँ जी बताओ बेटा क्लियर है नॉट? हाँ जी सर। तो बेटा इस तरीके से आपने इस चीज को भी बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लिया। प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि ये दो टॉपिक हैं, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन और एक मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन, इनमें से एक टॉपिक पक्का पेपर में आता है, तो प्लीज इस चीज को अच्छे से कर। तो ये तो बेटा हमारा अध्याय हो गया पूरा का पूरा। हाँ बोलो बेटा।